हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग्स। तो कैसे आप लोग, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी मस्त हूँ। और अभी बज रहे हैं शाम के 3:30 और अभी मैं और आदित्य जा रहे हैं धान काटने के लिए, बिकॉज हमारा धान हो गया। तो ये आदित्य अभी कुछ पहनने जा रहा है, शर्ट वगैरह शर्ट पहनेगा, फिर टी शर्ट पहनेगा। और भाई आज था हमारा चिल्ड्रंस डे, तो आप सभी को हैप्पी चिल्ड्रंस डे। आप लोग बच्चे होंगे तो, और टीचर्स भी होंगे तो हैप्पी चिल्ड्रंस डे। भाई बंद कोई भी हो भाई, सबके लिए हैप्पी चिल्ड्रंस डे। और अभी हम लोग जा रहे हैं आज धान काटने के लिए। दीदी यहाँ पे खड़ी है, ये तो स्कूल नहीं जाती है बिकॉज ये क्लास नहीं करती हैं अभी। तो मैं आदित्य अभी जा रहे हैं और मम्मी जी चली गई हैं वहाँ पे, ट्यूबवेल पे जा रही हैं धान के खेत में। तो चलिए फ्रेंड्स, वहीं पर मिलते हैं। आज से हमारा धान काटना स्टार्ट, तो हमें टाइम भी थोड़ा कम मिलेगा अब, बिकॉज शाम हम लोग स्कूल आएंगे शाम को, और शाम को आने के बाद चले जाएंगे धान काटने के लिए। तो हम लोग को काटना है, ज़्यादा खेत काटना है तो थोड़ा समय लगेगा हम लोगों को। हम लोग इसलिए काटते हैं ताकि हम लोग पशुओं के लिए मतलब चारा हो सके। तो अभी जा रहे हैं उसको काटने के लिए और मिलते हैं वहाँ पे चल के फ्रेंड्स। फ्रेंड्स तो अभी साइकिल आदित्य चला रहा है और मैं बैठ करके जा रहा हूँ, तो चलिए चलते हैं वहाँ पे। और दादाजी यहाँ पर बैठ करके इसको कुछ बोल रहे हैं, तो अभी चलते हैं हम लोग ट्यूल पे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स तो अभी हम लोग अपने खेत में आ गए हैं और भाई धान पक गया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत ही खुशी होती है बिकॉज इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, इसको रोपने में, इसमें पानी खाद सब डालते हैं, तो बहुत मेहनत लगता है और जब होता है तो भाई दिल खुश हो जाता है। और आदित्य यहाँ पे है, मम्मी भी है, तो आदित्य अपना चेंज कर रहा है, पैंट पहन रहा है ऊपर से कि मतलब खुजली नहीं करेगा। और अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको काटना। थोड़ा थोड़ा हरा है और जहाँ पर पका है उसको काट रहे हैं, और तो चलिए काटना स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स तो अभी होने वाली है शाम और अभी हम लोग काट लिए हैं, बस इतना सा इधर काटे हैं और ये बस इतना ही काटे हैं, और मतलब अच्छा खासा काटे हैं आज। और अभी जा रहे हैं और मम्मी पापा जो हैं, और नहीं मतलब बड़े पापा और बड़ी मम्मी जो है वो काट रहे हैं पशुओं के लिए चारा के लिए धान इसमें से, तो वो घर जाएगा और भी पीटा जाएगा। तो हम लोग इतना जल्दी जा रहे हैं, थोड़ा सा अभी दिन बाकी है, फिर भी मैं जा रहा हूँ घर बिकॉज मेरे को जाना है छट्टी पे आटा लाना है, तो मेरे भाई को भी जाना है चूरा लाने के लिए। हम दोनों कल गए थे रात को ही, पूरे हम लोगों को शाम हो गया था, मतलब पानी नहीं चलाते में, तो रात को ही गए थे, तो वो चला गया था चूरा देने और मैं चला गया था गेहूँ देने। तो अभी जा रहा हूँ मैं आटा लाने के लिए और वो भी जा रहा है चूरा लाने के लिए। तो फ्रेंड्स चलते हैं और घर से पैसे लेते हैं और उसके बाद से चलेंगे चंद्रवार चट्टी पे। फ्रेंड्स अभी मैं घर आ गया हूँ और आने के बाद यहाँ पे धान रख दिया हूँ, धान लेकर आया था एक बुझा, और अभी दीदी से पैसे लेता हूँ और जाता हूँ चंद्रवार। तो चंद्रवार से लाना है मुझे आटा और एक दवा लाना है, थोड़ा सा मतलब छोटी सी एक दवा है उसको लाना है। तो अभी जाता हूँ वहाँ से लेकर के आता हूँ और उसके बाद से मिलता हूँ फ्रेंड्स। तब तक मोबाइल में चार्ज में लगा देता हूँ और विदाउट मोबाइल के जाता हूँ वहाँ पे। फ्रेंड्स तो अभी मैं घर आ गया हूँ और अभी बज रहे रात के 6:40 और अभी मैं आटा और मेरे को दाल लाना था, तो वो मैं दोनों लेकर के आ गया हूँ। और अभी मैंने पहना है स्वेटर और विंटर कैप पहन लिया हूँ बिकॉज ठंडी लग रही है थोड़ी थोड़ी। और आज हमारा सारा मतलब जो ओढ़ने वाला सामान होता है रजाई, वो सब निकल गया है। और आज से मतलब ठंडी लग रही है भाई अब सुबह में, तो सुबह में तो मैं जैकेट पहन करके जाता हूँ कोचिंग। तो अभी चलता हूँ, थोड़ा सा अब डिनर वनर सब करता हूँ और उसके बाद से मिलता हूँ फ्रेंड्स। तो अभी मैंने डिनर कर लिया है और अभी जा रहा हूँ अपनी एडिटिंग स्टार्ट करने के लिए। और आज के इस ब्लॉग को करते हैं एंड, होपफुली ये ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी फ्रेंड्स, बाय।